तो दिल्ली में हर तरफ चुनावी शोर नजर आता है, हर दल जीत की हुंकार भरता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा और राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी राघव चड्ढा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सक्सेना ने, देखिए। दिल्ली में ठंड है लेकिन सियासत गर्म है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र नगर से राघव चड्ढा जी मौजूद है। राघव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप पहली बार लोकसभा चुनाव आप लड़े थे लेकिन वो आप हार गए थे, लेकिन इस पर आप पहली बार विधानसभा चुनाव जीत लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको? आप कह रहे हैं जीत रहा हूँ? नहीं, आप लड़ रहे हैं तो आपको उम्मीद होंगी, आप बताइए। नहीं, देखिए हर चुनाव अलग होता है। वो चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव था, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव। उस चुनाव में लोगों ने कहा मोदी बनाम कौन, कोई नहीं है, तो मोदी जी को वोट दे दिया। दिल्ली में तो वास्तव में चुनाव केजरीवाल बनाम कौन, कोई है ही नहीं। और इस बार जनता दिल खोल कर ये कह रही है, बीजेपी के समर्थक ये कह रहे हैं, बीजेपी के लोगों से आप मिलोगे वो भी यही कह रहे हैं कि भैया तुम लोगों ने काम बड़ा अच्छा किया 5 साल में, और इस बार हम पार्टी की जो हमारे अमित शाह कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि अच्छे बीते 5 साल, लेकिन अमित शाह लगातार ट्वीट के जरिए भी और रैलियों के जरिए भी वार कर रहे हैं कि आप तो यही कहते रहे कि हमें काम नहीं करने दिया, फिर अच्छे कैसे बीते? मैं कंप्लीट कर दूं कि जनता ये कह रही है, बीजेपी वाले भी ये कह रहे हैं कि बहुत काम किया तुम लोगों ने 5 साल में, और हम जात धर्म पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम पे वोट देंगे, और तुमने और तुम्हारी सरकार ने काम बहुत किया। हर महीने का खर्च हर परिवार का लगभग 8,000 रुपये से कम हो गया जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। बीजेपी वाले भी ये कहते हैं कि भाई हमारे घर का खर्च 8,000 रुपये से कम कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो इस बार मजबूरन हमें भी आम आदमी पार्टी को वोट देना पड़ेगा। जहाँ तक बात अमित शाह जी की है, वो शायद दिल्ली में कम रहते हैं, पूरी हिंदुस्तान में घूम घूम के प्रचार करते हैं, तो उन्हें आइडिया नहीं होगा। उस दिन एक गली से निकल रहे थे और कह रहे थे कि नहीं नहीं दिल्ली में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, अगले दिन हमने उसी गली पे लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जारी कर दी कि देखिए अमित शाह जी आप जिस गली से गुजर रहे थे उसी में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो कुछ भी आए झूठ बोलते हैं। राजेंद्र नगर में जो आपकी जो राह है वो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आपके सिटिंग MLA थे उनका टिकट काट के आपको दिया गया है। सब परिवार का हिस्सा है, सब साथ में है, जिम्मेदारियाँ बदलती हैं, लेकिन लोगों की शिकायतें काफ़ी हैं। नहीं, शिकायतें जिन जिन की हैं शिकायतें दूर करना हमारा काम है, इसलिए तो चुनाव लड़ रहे हैं। शिकायतें सबकी होती हैं, शिकायतें दूर करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, सब साथ हैं, सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक जनता की शिकायतों के लिए, उसके लिए तो हम बैठे हैं। 5 साल में बहुत काम करे और आने वाले 5 साल और काम करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे। बिल्कुल, शाहीन बाग का मुद्दा काफ़ी गर्म है, आम आदमी पार्टी शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा है उसके साथ है, उसके खिलाफ है? चुनाव बिजली पानी सड़क सीवर शिक्षा पे हो रहा है, चिकित्सा पे हो रहा है। चुनाव उन मुद्दों पर हो रहा है जो जनता को रोज़मर्रा के जीवन में उनकी जीवन को प्रभाव डालते हैं, उन मुद्दों पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे जो भी प्रयास रहा हो आज से पहले, चुनाव बिजली शिक्षा सीवर स्वास्थ्य पानी पे ही होगा। इन्होंने झारखंड के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में और मध्य प्रदेश के इसमें झारखंड हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में ये करने की कोशिश करी, 370 पे चुनाव लड़ने की कोशिश करी, अन्य अन्य विषयों पे चुनाव लड़ने की कोशिश करी। आपने देखा क्या हुआ, हरियाणा में बहुमत के आंकड़े तक नहीं आ पाई, महाराष्ट्र से उनको बाहर निकाल दिया गया, झारखंड का चुनाव बुरी तरीके से हारी। जनता चाहती है कि जो वो मुद्दे जो रोज़ाना हमें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें परेशान करते हैं, उसका जो समाधान देगा हम उसको वोट देंगे। राजेंद्र नगर की जनता आपको क्यों वोट दे? इसलिए वोट दे क्योंकि बीते 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किया, आने वाले 5 सालों का हमारे पास एक सपना है, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का होना ज़रूरी है। और मैं राजेंद्र नगर का अपना बच्चा हूँ, अपना बेटा हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरा परिवार यहाँ 65 साल से रहता है, मेरा नान का भी यहाँ, मेरा दाद का भी यहाँ, मेरा सारा जीवन इन्हीं सड़कों पर बीता है, मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना विधानसभा परिवार है। अपने लोगों के लिए कुछ करने का एक मौका मिला है तो इतना ही कहूँगा कि बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगा। बीजेपी की तरफ से कोई भी CM कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है, आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है? बीजेपी की अपनी अंदरूनी राजनीति है कि उन्हें CM का चेहरा आगे करना है कि नहीं करना है। वैसे तो 7-8 लोग बनना चाह रहे थे उनके यहाँ CM कैंडिडेट, कुछ लोगों ने शेरवानी का नाम भी दे दिया था, लेकिन ये बीजेपी की अपनी रणनीति है, मैं उस पर क्या कहना चाहूँगा। दिल्ली में शायद बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल जी से टक्कर लेने के लिए कोई नेता ही नहीं है। शुक्रिया। आज एक मिनट, एक सवाल मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगा, आज जो UP के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा, गंगा यात्रा की उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते, दिल्ली सरकार चाहती, तो जो दिल्ली की यमुना है ये भी साफ़ हो सकती थी, आपने प्रयास नहीं किया? इतने प्रयास करे योगी जी को शायद वो बहुत ज़्यादा अपनी सरकार चलाने में व्यस्त होंगे, उन्हें पता नहीं दिल्ली में क्या हो रहा है, कितने प्रयास हुए और कितना सफल प्रयास हुआ है। और इस बार तो हम गारंटी भी दे रहे हैं,
ये समय सीमा दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि यमुना को साफ करेंगे और इतना साफ करेंगे कि आप और हम उसमें डुबकी लगा सकें। एक आखिरी सवाल, दिल्ली की 70 सीटें कितनी आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी? उम्मीद है कि 2015 का रिकॉर्ड टूटेगा। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ राघव चड्ढा, जिन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से सरकार भी बनेगी और वो जीत भी दर्ज करेंगे। अब देखना ये होगा कि राघव चड्ढा के जो दावे हैं, जब नतीजों के दिन वो दावे कहाँ पर खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन गौरव बिस्ट के साथ मैं सौरभ सक्सेना, दिल्ली, न्यूज़ 1 इंडिया।